उतार लो। आप सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत अद्भुत सुंदर ट्रांजिट की। अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि विशेषकर जो बड़े ग्रह हैं, चाहे आप उन मंगल को ले लीजिए, चाहे आप गुरु को या शनि को ले लीजिए, और साथ ही हमारे सारे मंडल के राजा सूर्य, वो भी अपने ही भाव में, अपने ही घर में है। इसी के लिए अभी कुछ योग ऐसे बन रहे हैं जो ट्रांजिट में बहुत सुंदर आपको रिजल्ट दे सकते हैं, खासकर यदि आपकी पत्री में ऐसे योग हो, और साथ ही दशा अंतर दशा भी इस योग का और इस ट्रांजिट को बढ़ावा देती हो, तो आपके जीवन में बहुत तरह से खुशहाली आ सकती है। हम ये भी देखते हैं कि ये जो तीन ग्रह अपने भाग के हैं, चाहे वो मंगल, शनि या गुरु हो, गुरु और शनि वक्री हैं, तो वो चेष्टा बली हो जाते हैं, लेकिन ये पंच महापुरुष योग भी बहुत सारे लग्नों के लिए बनाते हैं, जिसके कारण मनुष्य को काम करने में, सफलता प्राप्त करने में बहुत आसानी भी होती है चलित में, और साथ ही बहुत ये जो एक त्रिकोण बनकर आता है, काल पुरुष कुंडली से धर्म त्रिकोण बनकर आता है, लेकिन जो अर्थ त्रिकोण के लग्न है, चाहे वो आपके वृषभ राशि हो, चाहे कन्या राशि हो या फिर मकर राशि हो, उनके लिए मोक्ष त्रिकोण बनकर आता है, और वायु तत्व वालों के लिए ये एक काम त्रिकोण का रूप लेता है। और सबसे सुंदर त्रिकोण, क्योंकि हम सब पृथ्वीवासी हैं और अपने जीवन में सफलता का मापदंड कुछ चीज कुछ प्राप्त करके, धन प्राप्त करके, नाम प्राप्त करके, शौर्य प्राप्त करके हम उसको देखते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत सुंदर त्रिकोण अर्थ त्रिकोण से बनकर आता है। तो चले देखें कि सबसे पहले जो अपने अपने भाव में और मूल त्रिकोण साइन में स्पेशली गुरु और मंगल हैं, तो क्या इफेक्ट होता है उसका अग्नि तत्व वाली राशियों के लिए, लग्नों के लिए। जैसे सबसे पहले हमारा मेष लग्न आता है, तो मेष लग्न वालों के लिए रुचिक योग बनकर आता है, और मंगल अपने ही भाव में, अपने ही लग्न पर होने के कारण मनुष्य को एक अपार कॉन्फिडेंस देता है, एक एनर्जी देता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने में कुछ बदलाव लाएं, अपने में वो करिश्मा लाएं, जिसके कारण लोग आपकी ओर मुग्ध हों, और ऐसा कुछ पढ़ाई शुरू कर सकते हैं जो आपने कुछ बीच में छोड़ दी थी, और यदि आप उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें और एकदम मूल रूप से उस को वापस से शुरू करें, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सूर्य आपके पंचम भाव में होने के कारण सूर्य नारायण की पूजा करें, और ये भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई मंत्र उच्चारण भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुध जो आपके षष्ठम भाव का स्वामी और तृतीय भाव आपकी वाक शक्ति का स्वामी, आपकी क्रिएटिविटी का स्वामी, बुध सूर्य के साथ बैठे होने के कारण, और गुरु से दृष्ट होने के कारण आपको ऐसे कुछ क्रिएटिव पावर्स भी दे सकते हैं जिनको आप पूरी तरह से निभा सकते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जब हम सिंह लग्न वालों के लिए बात कर रहे होते हैं, तो सिंह लग्न का स्वामी लग्न पर बैठा है और गुरु से दृष्ट है, अर्थात आपके लिए ये समय बहुत सुंदर है, आपके लक फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्गली आपके फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि मंगल जो है वो नवम भाव का स्वामी होने के साथ साथ अपने ही भाव पर गोचर कर रहे हैं। इससे आपके जिस काम में आप रुचि रखते हैं, यदि आप उस काम की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने उस काम में अपनी एनर्जी डालेंगे, तो वो काम पूर्ण होने में बहुत आसानी से आपके लिए वो पूरा हो जाएगा। इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं कि प्लैनेट ऑफ वैल्यू बुध, जो आपका द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है और आपके लग्न पर ही दिग्बली होके बैठा है लग्न लॉर्ड के साथ, तो वो भी आपको सहायता देता है, आपको बुद्धि देता है, और ये गुरु से भी दृष्ट है कुछ ऐसा काम वापस से शुरू करने के लिए जो कि आपका अटका हुआ है, उसको यदि आप वापस से चालू करेंगे, तो वो काम भी आपका पूरा
कम समय में हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है कि पहले जो आपने गलतियां करी उनको आप न दोहराएं और उनको मूल रूप से उन गलतियों को पहचानें, क्योंकि केतु भी यहाँ ध्वजा के रूप में पंचम भाव में पंचमेश के साथ बैठे हुए हैं अपने ही नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में। तो वो गलतियों को आप मूल रूप से फिर न दोहराएं, तो इससे आपका काम बहुत जल्दी सफल होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम अग्नि तत्व की राशि है, लग्न है, धनु राशि, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ धनु राशि में हम देखते हैं कि लग्न पर गुरु बैठे हुए हैं, वक्री हैं, चेष्टा बली हैं और दिग बली भी हैं, तो और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपके घर को आप किसी तरह से रेनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ जो आपको फंडामेंटली अपने घर से कम करना है ताकि आपका घर सुव्यवस्थित हो लेकिन सुंदर भी रहे, तो वो भी कार्य आप कर सकते हैं। पंचम भाव में सप्तम भाव का स्वामी यदि वहां विद्यमान है, तो ऐसे लोगों के लिए जो, क्योंकि यहाँ एक बहुत सुंदर हमसा योग भी बन रहा है, तो ये भी एक संभव है कि आप यदि संतान प्राप्ति, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सेकंड इशू के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए संतान प्राप्ति का भी योग बनता है। पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में विद्यमान होना ये बताता है कि आपका लक फैक्टर आपके लिए बहुत काम करेगा, और साथ ही आपके बच्चे हो सकता है वो भी कुछ अच्छा करें, साथ आपका उनके साथ भी इंटरैक्शन यदि होता है तो वो आपके लिए लाभदायक होता है। घर के बड़ों का के बारे में सोचें और उनके साथ भी इंटरैक्ट करें, उनसे जो आपको राय, जो आपको सलाह मिलेगी वो भी आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि हमारे जो मघा से लेके ज्येष्ठ तक सेकेंड लेवल ऑफ नक्षत्र है, हिंदी में हम उसको सितंबर एंड में शुरू करने वाले हैं। तो यदि आपको वो कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, या फिर आप हमारे वेबसाइट से डायरेक्ट अपनी सीट वहां पर बुक भी कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं उन राशियों की ओर जो कि हम पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व वाली राशियों के लिए मोक्ष त्रिकोण जो है वो अभी बहुत एक्टिव है। मोक्ष त्रिकोण से हमें क्या लगता है? मोक्ष त्रिकोण से हमें अध्यात्म का ज्ञान होता है। यहाँ हमारी कुछ चीजें, जो कुछ हैबिट्स हैं जो सही नहीं है, वो छूट जाती है, और साथ ही हम अपने घर परिवार पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश गुरु होकर अष्टम भाव में बैठा है, और अष्टम भाव आपके वित्तीय पहलू को भी देखता है, आपके लोन्स को के बारे में भी बताता है, या जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं दूसरों की पैसों से लेकर, जो होम लोन आदि आप लेते हैं उनके बारे में भी बैठता है। तो उस होम लोन को आप अच्छी तरह से रिवाइज भी करवा सकते हैं, और जितना जरूरत है आप यदि उसी पर ध्यान दें तो आपके जो कर्ज है वो भी कमती हो जाएंगे, क्योंकि जो शुक्र है वो आपका द्वितीय भाव में राहु के साथ बैठा है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके वित्त में भी इजाफा होगा, और वो भी अचानक से। तो यदि आप इस चीज पर ध्यान दें तो शायद ये काम हो सकता है। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में मंगल होने के कारण आप किसी सेवा संस्था के में से जुड़ सकते हैं, या वहां सेवा अपनी दे सकते हैं, या चैरिटी कुछ अच्छी कर सकते हैं, जिसके कारण आपका मन भी स्थिर होगा और आपको उससे लाभ भी मिलेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य द्वितीयेश और पंचमेश के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यानी घर वालों के साथ, या अपनी सिक्योरिटीज को अच्छी तरह समझना, जो आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं बैंक्स और अपने घर का मुआवजा, घर का पूरा मुआयना करके कि आपको क्या जरूरत है क्या नहीं, इसमें कहीं आप बड़ा घर यदि बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए, ये सारी बातों पर अच्छी तरह से ध्यान देते हुए यदि, और अपनी माता उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देते हुए यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत सुंदर रिजल्ट। जब हम कन्या राशि वालों के लिए बात करते हैं, कन्या लग्न वालों के लिए, तो कन्या लग्न वालों के लिए हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और वहां पर
हंस योग भी बनता है सप्तमेश चतुर्थ भाव में। तो ये भी हो सकता है कि आप अपने घर से व्यवसाय करें या कुछ ऐसा काम फिर से शुरू करें जो कि आपका पहले कुछ रुक गया था। जैसे मैंने कहा कि केतु क्योंकि यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं मूल नक्षत्र में, तो हो सकता है कि आपको कुछ परिवर्तन लाना पड़े या कुछ फंडामेंटल ऐसे चेंजेस करने पड़े जो कि आपके आपके लिए बहुत जरूरी हो और आपको आगे चलकर जिनसे फायदा होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है, तो हो सकता है जो लोग अपने घर पर ध्यान दे रहे हैं, घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका यदि कोई काम रुका हुआ है तो वो काम भी आगे बढ़ सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है और वो सूर्य है, लग्नेश के साथ है और दशम भाव के स्वामी के साथ है, तो आपके जो व्यवसाय में हो सकता है कुछ खर्चा हो क्योंकि इससे आपको फिर बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये खर्चे आपके लिए यदि जरूरी है तो डेफिनेटली आपको करने चाहिए, लेकिन उन पर आपको ध्यान भी देना चाहिए कि आप ज्यादा ना करें क्योंकि सूर्य जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, तो जब वो देता है या खर्चा कराता है तो दोनों टाइम वो कुछ ज्यादा बड़ा ही देता है, तो इस बात पे भी आप ध्यान रखें। फिर हम जो चर अर्थ राशि है या लग्न है, शनि का लग्न मकर, उस पर ध्यान देते हैं। शनि के इस लग्न पर मकर लग्न पर दो योग हो रहे हैं, एक तो रुचिक योग और एक सहस योग, ये दोनों योग बनते हैं और सहस योग आपको काम करवाते हैं, कुछ ऐसा काम करवाते हैं जो आपने पहले नहीं पहले किया और उसको आधे में छोड़ दिया, अब उस पर आप पूरी मेहनत डालें और अपना काम सही ढंग से करने की कोशिश करें, जिसके कारण बहुत सुंदर आपके लिए आपको इससे बहुत सुंदर लाभ होगा और आपका हो सकता है बैंक बैलेंस भी बढ़े। चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है तो प्रॉपर्टीज की जो आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं यदि, तो ये एक बहुत सुंदर समय है, आपको इससे लाभ होगा और आपको अकस्मात हो सकता है कि कोई पैतृक संपत्ति या किसी प्रकार का ऐसा लाभ मिले जिससे कि जिसकी आपको पहले से कोई ज्ञान नहीं हो या आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में रेट्रोग्रेड होके बैठा है, तो आप कहीं ऐसी बाहर घूमने जा सकते हैं जहां आप पहले गए हो और अब मुझे मालूम है लोग बोलेंगे कि कोरोना के समय में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग आजकल बाहर घूमने आने जाने लगे हैं, तो हो सकता है कि आप भी कहीं ऐसी यात्रा। अब हम आते हैं वायु तत्वों की ओर। वायु तत्वों में सबसे पहले द्विस्वभाव वायु तत्व की राशि लग्न यानी कि मिथुन राशि पर हम बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भी एक सुंदर योग बनता है हंस योग, और इसके कारण आप यदि अपने जीवन में ये देख लें कि किनके कारण आपको उन्नति मिली है और आप फिर उन लोगों के साथ एक तरह का एसोसिएशन करें तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मौलिक रूप से कि आप क्या सही कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे। वो लोग जो अपने पार्टनर्स के साथ समझौता करना चाहते हैं या वापस फिर कहीं कुछ साठगांठ करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय बहुत सही है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में होने के कारण ये आपको ऐसे समझौते या ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाना आपको लाभदायक हो सकता है। तृतीय भाव का स्वामी लग्नेश के साथ जब तृतीय भाव में हो तो आपको एक वाक् शक्ति देता है जिसके कारण आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अपनी बात उनसे मनवा भी सकते हैं, आप निडर होकर निर्भीक होकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे राशि की ओर। दूसरी राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी दो
योग बनकर आते हैं, सहस योग और हंस योग। सहस योग हम चतुर भाव में देखते हैं और हंस योग सॉरी रुचक योग हम देखते हैं सप्तम भाव में। सहस योग के कारण आप जो अपने सिक्योरिटीज या बड़े जो आपके घर में बड़े हैं और मासेस, क्योंकि शनि आपको मासेस से मिलवाता है, तो हो सकता है कि आप कुछ कार्य ऐसा करें, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है और केतु के साथ है, तो आपको वो वाक शक्ति कुछ सोच समझकर आगे बढ़ने की शक्ति देता है और ऐसे काम या ऐसा कुछ बोलने की शक्ति देता है जिसके कारण आपके रुके हुए जो कुछ काम है वो आगे बढ़े। लेकिन तुला लग्न वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में है और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, तो आपके पार्टनर, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन में आपके पति या पत्नी हो या आपके प्रोफेशनल पार्टनर्स हो या आपका कोई संगठन ऐसा हो जिसमें बहुत सारे लोग हो, उनका पलड़ा जो है वो आपसे कहीं भारी है, तो आप उनकी बात पर ध्यान दें और फिर आगे बढ़ें। इससे आपको ये फायदा होगा कि जन समुदाय में आपका नाम होगा और आप उनमें भी एक्सेप्टेबल होंगे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में ये लोग भी आपकी सहायता करेंगे या सहायक बनेंगे। फाइनली हम आते हैं कुंभ लग्न ही पर। कुंभ लग्न वालों के लिए तृतीय भाव का स्वामी मंगल अपने ही भाव में है और बुध के साथ सूर्य जो है वो सिंह लग्न में सप्तम भाव में और गुरु केतु के साथ बकरी होकर एकादश भाव में है। कुंभ लग्न वालों के लिए सचेत होना बहुत जरूरी है क्योंकि मंगल ऐसे ही बहुत उत्तेजित ग्रह माने गए हैं और साथ ही जब वो मेष राशि में बैठते हैं तो उनकी उत्तेजना का कोई सीमा नहीं रह जाती, जिसके कारण वो तो अचानक और तृतीय भाव के का कारक होने के कारण मंगल में बहुत शक्ति भी हो जाती है कुंभ लग्न वालों के लिए। जब मंगल यहाँ बैठा होता है उत्तेजित होकर कोई कोई भी कार्य ना करें, सोच समझ कर कार्य करें, क्योंकि गुरु की वक्री दृष्टि भी उस पर पड़ती है, तो ईश्वर यही करे कि गुरु इसको कंट्रोल कर सके। साथ ही सप्तम भाव में सप्तमेश और पंचमेश, तो ये भी हो सकता है कि आप एक तरफ और आपके सारा पूरा ऑपोजिशन एक तरफ हो, तो इस समय में स्थिति यही बताती है कि आप अपना एक पांव पीछे खींचे और इस स्थिति को समझे और फिर कोई निर्णय ले, वो ही आपके लिए आगे चलकर लाभदायक होगा। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स करें क्योंकि एकादश भाव में गुरु बैठे हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए और ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपने पहले किए हैं और वो आपको फंडामेंटली वो आपको अच्छे रिजल्ट जिन्होंने दिए हैं। अब हम जलचर राशियों की ओर चलते हैं। जल तत्व की राशियों में सबसे पहले हम लेते हैं कर्क लग्न वाली राशि। कर्क लग्न की राशि के लिए मंगल जो योग कारक है और वो एक पंच महापुरुष योग बनाते हैं और शनि वक्री होने के बाद भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं, लेकिन ये अष्टमेश भी होने के कारण अष्टम भाव का भी बुरा फल दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल बहुत यहाँ दिग्बली भी है, इसके लिए मंगल का जो प्रभाव है वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगा आपके चार्ट में। तो मंगल आपको काम करने के लिए बहुत एनर्जी देते हैं, आपके अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत एनर्जी देते हैं और अभी आप में जो भी आप करना चाहेंगे उसमें आप करने के लिए सक्षम भी हैं और साथ में आपको दिशाएं भी मिलेंगी कि आप आगे बढ़े। आप लकी भी रहेंगे कि आप आगे बढ़े और आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे। फिर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश जो है वो अपने ही भाव में है, साथ में वो तृतीय भाव के और एकादश भाव के स्वामी के साथ है, तो आप में वो ऊर्जा रहेगी, आप में वो गट करेज रहेगा कि आप अपने स्पेशली अपने वित्त के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने फाइनेंस के लिए जो सोचें, जो आपने प्लान किया वो आपको मिले और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत लाभ होगा। षष्ठम भाव का स्वामी यदि षष्टमेश वक्री गुरु होकर केतु के साथ षष्ठम भाव में बैठा है, तो ये आपको सोचने के लिए भी बाध्य कर सकता है कि क्या आप अपने एम्प्लॉयर्स
जो इनको आपने एम्प्लॉय किया है, जो आपके नीचे काम करते हैं, क्या वो आप उनको आपको उन सबकी जरूरत है, या ऐसे कुछ हैं जिनको आप आगे लेकर नहीं बढ़ना चाहते, तो ये भी आप सोच सकते हैं। और जो आपके आपकी कुछ हैबिट्स भी ऐसी हो सकती हैं जो आपको कष्ट दे रही हैं। तो अभी जब केतु इस नक्षत्र से, मूल नक्षत्र से क्रॉस कर रहा है, और गुरु भी यहाँ वक्री होकर गोचर कर रहा है, उन पर आप वापस ध्यान दे सकते हैं, उन हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। कुछ लोगों को चर्बी आजकल खाने की, बहुत तेल, घी, तला आदि खाने का बहुत शौक होता है, तो वो सब उन पर भी आप एक नजर डाल सकते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो चर्बी, फैट जिसे कहते हैं, उस पर, कोलेस्ट्रॉल, उस पर भी उसका भी कारक है। तो उन हैबिट्स को यदि आप कंट्रोल में लाएंगे, तो गुरु भी आपके लिए डिसिप्लिन और विजडम जिसे हम कहते हैं, वो भी आपको प्रदान। जब हम कर्क वृश्चिक राशि के बारे में बात कर रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए षष्ठम भाव का स्वामी लग्नेश होकर षष्ठम भाव में विद्यमान और लग्न पर दृष्टि डालने वाला आपको ये बताता है कि ये समय है कि आपका यदि कोई कोर्ट केस है तो आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं और उसके लिए लड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है कि कुछ हैबिट्स हो आपकी, आपका गुस्सा जो है वो सीमा परिसीमा को, बाधाओं को, सीमाओं को क्रॉस कर रहा है, तो उसमें बहुत जरूरी है आपके लिए कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। गुरु की दृष्टि केतु के साथ होने के कारण ये आपको एक अंतर्दृष्टि देता है, ये बता सकता है कि आप किन कारणों से खिन्न हो रहे हैं, या चिड़चिड़े हो रहे हैं, या गुस्से हो रहे हैं, जिस पर आप आगे चलकर काम कर सकते हैं। फिर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में होने के कारण, केतु के साथ और रेट्रोग्रेड होने के कारण, आपको ये बता सकता है कि आपके परिवार में आपकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप, जिनका आप मौलिक रूप से खंडन करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, वो भी आपके लिए संभव है। दशम भाव का स्वामी दश भाव में होने के कारण और दिग्बली होने के कारण आपके सामने नई अपॉर्चुनिटीज फॉरेन लैंड से अचानक डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि बुध जो है वो एकादश भाव का स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामी है, तो फॉरेन लैंड से हो सकता है कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आए, अचानक आए, जिनको आप यदि देखें तो आप करें और उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। लास्ट में जब हम मीन लग्न वालों के लिए बात करते हैं, तो मीन लग्न वालों के लिए लग्नेश जो है वो दशम भाव में बैठकर हंस योग निर्माण करते हैं, जिसके कारण आप, ये रेट्रोग्रेड होने के कारण, केतु के साथ होने के कारण आपको ये बताता है कि नया कुछ चालू करने से पहले जो पुराना कुछ है उसको रिट्रीव करने की कोशिश करें, ऐसा कुछ करने के लिए कोशिश करें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो, और आप उसी में फिर कुछ यदि बढ़ोतरी करते हैं, उसी को आगे लेकर जाते हैं, तो आपके लिए वो बहुत सही होगा। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण और नव भाव का स्वामी होने के कारण, नवम भाव पर भी अपनी दृष्टि डालने के कारण आपके लिए आपको ऐसे आइडियाज देगा या ऐसा कुछ पढ़ने के लिए बाध्य करेगा, और आप उस एरिया में यदि अपनी एनर्जी डालें तो आपका लक, साथ ही आपका ज्ञान भी, उसमें भी वर्धन होगा। और फाइनली ये आप प्रोफेशनली इसको, इसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे शनि भी आपके लग्न को देख रहा है, तो ये शनि आपको धीरे धीरे ये काम शुरू करवाएगा, लेकिन कोई पुराना काम या पुरानी पढ़ाई जो आपने छोड़ दी है, नहीं करना कर पा रहे हैं, या कोई एसोसिएशन जो आपने छोड़ दिया और ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, यदि उस पुराने एसोसिएशन को फिर से ज्वाइन करते हैं, तो फाइनेंशियली ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मंगल बुध और सूर्य जो है वो षष्ठम भाव में बैठने के कारण आपका कुछ ऐसे बड़े लोगों के साथ भी एसोसिएशन हो सकता है जो कि आपके बिजनेस में बहुत फायदा कर सकते हैं। चलते चलते फिर से आपको ध्यान दिला दें कि हमारा जो कोर्स है नक्षत्र वाला, सेकेंड लेवल का, मघा से लेके ज्येष्ठ तक सितंबर एंड में शुरू होने वाला है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें व्हाट्सएप करें या हमारे साइट से हमें संपर्क करें।
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।